Hi everyone, good evening and welcome to An Academy Live in TA UGC Net with AKS Rajbir. So guys, अगर आपको audio and video clear है, एक बार confirm कर दीजिए और इसके बाद हम शुरू कर लेंगे इस class को. A very good evening to all of you. यस गाइज, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो फिर शुरू करें इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और इंटरेस्टिंग भी, और मजा आएगा इसमें आपको. तो आज की क्लास में गाइज हम बात करेंगे 2012. जैसा कि आपको टाइटल दिख रहा है, हमारी क्लास का जो टाइटल है, गुड इवनिंग एवरीवन, हाय यशु शाहू, यू आर मोस्ट वेलकम. या आज की क्लास में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 2012 जून के सेकेंड पेपर के सॉल्यूशन पर. हमारे पास होंगे 50 क्वेश्चंस. तो अब हम मेन क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में गाइस. तो मेरा नाम है AKS राजवीर और मैं अन अकेडमी पर आपको लाइव पढ़ाता हूं फॉर UGC नेट एंड सेट एग्जाम्स. एंड फॉर अपकमिंग UGC नेट एग्जाम और JRF, यू कैन ज्वाइन माई पेड कोर्सेज ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बाई डाउनलोडिंग अन अकेडमी द लर्निंग एप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. वॉट यू हैव टू डू आफ्टर डाउनलोडिंग अन अकेडमी द लर्निंग एप, आफ्टर डाउनलोडिंग अन अकेडमी द लर्निंग एप, यू कैन अप्लाई कोड राजवीर लाइव सो दैट यू कैन एक्सेस माई फ्री स्पेशल क्लासेज ऑन द प्लेटफॉर्म. एंड एज वेल एज वन मोर इंटरेस्टिंग पार्ट, if you want to join my paid courses, so then you can choose either the plus subscription or iconic subscription. In plus subscription you will get both the papers, classes of both the paper, paper 1 and as well as paper 2, live interactive classes, and you will get all the pdfs, topic wise pdf and as well as test. Then quizzes we also have, complete quizzes like a complete paper solution for both paper 1 and paper 2. And on iconic what you will get, so then guys, you know, on iconic we have a few extra features, like these features are common in both the subscription, either it is plus or iconic. Then you can see guys, you will also get on iconic 1-to-1 live mentorship, doubt solving and interview preparation, गाइडेंस एंड ऑल. सो दीज आर द वंडरफुल फीचर जो आपके लिए गाइज अवेलेबल होते हैं अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. गुड इवनिंग एवरीवन, यशु शाहू, यशोदा हूं मैं. अच्छा, ये वाली बात है, यशोदा है आप. सो एंड देन यू कैन सी गाइज, दीज आर द चार्जेस. ये गाइज आपके लिए चार्जेस हैं, दीज आर द चार्जेस फॉर plus subscription and these are the charges for iconic subscription. By the way, here you can see it has been calculated monthly and you can also see it has been written ki aapko pura ka pura complete pay kaise karna hai. Aur iske liye aap pata hai, ye bhi choose kar sakte, you can also choose EMI option. Aapke liye EMI option hai, so then you can choose EMI option aur aap enjoy kar sakte hain best classes on India's largest learning platform. And 10% discount by using code Rajveer Live. RAJVEER and LIVE. Rajveer Live, guys. By applying code Rajveer Live, you will get 10% discount. Flat 10% discount, guys, आपको मिलेगा, ठीक है? और इसी से आप मेरी free classes भी unlock कर सकते हैं. Without any payment वाली. So, begin करें हम लोग. आप सभी लोग रेडी होंगे. चलिए, अब क्या है, ये हमारा पार्ट हुआ एंड, और इस पार्ट की एंडिंग के बाद अब है हमारे पास आपका पेपर. सो वेयर इज द पेपर, ये है गाइज आपका पेपर. और आपको पता है कि मैं सॉल्व कराने वाला हूं जून वाले पेपर को, है ना, जून पेपर सेकेंड. सो लेट्स बिगिन. थोड़ा सा मैंने फिट कर दिया स्क्रीन में ताकि आपको क्लियर विजिबल हो. जी, आपकी प्लस स्टूडेंट. ओके यशु शाहू, समझ गया मैं कि आप हमारी प्लस स्टूडेंट हैं, यशु, यशोदा. ओके, सो लेट्स बिगिन. हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. टू रिफर
टू द अनरिजॉल्वेबल डिफिकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप. डेरिडा मेक्स यूज ऑफ द टर्म अपोरिया, डिफरेंस, इरेजर और सप्लीमेंट. सही वाला आंसर क्या है प्लीज? फर्स्ट वन क्वेश्चन और राइट आंसर आपका होना चाहिए. दीज ऑल आर द टर्म गाइज, बहुत ही वंडरफुल टर्म्स हैं एंड यू कैन सी ऑन डीकंस्ट्रक्शन, है ना, डीकंस्ट्रक्शन वाले पार्ट में आपको ये सब देखने को मिलता है, मिलता है ना. गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. सो टू रेफर टू द अनरिजॉल्वेबल डिफिकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप. सो ही यूज द वर्ड, विच वन गाइज टर्म ही यूज? सो बहुत ही सिंपल टर्म है. हाँ, सब लोगों ने आंसर कर दिया है और बहुत ही सिंपल टर्म है एंड दैट इज नोन एज अपोरिया. अपोरिया इज वॉट? इसे हम लोग बोलते हैं स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी. स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी मतलब कैसे? स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी, नॉट एबल टू डिसाइड, स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी. इसको अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में, लाइक टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन. सो दिस इज नोन एज स्टेट ऑफ अनडिसाइडेबिलिटी, अनरिजॉल्वेबल. एक और गाइस एग्जांपल है, दैट इज हाउ डू आई लव दी एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग. हाउ डू आई लव दी, लेट मी काउंट द वेज, दैट इज नोन एज अपोरिया. ओके, द टर्म एसोसिएटेड विद जैक्स डेरिडा, द टर्म एसोसिएटेड विद जैक्स डेरिडा. ठीक है, आई होप सो कि आप समझ गए. चलिए आ जाइए नेक्स्ट वन पर और हम लोग नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्ले राइट स्क्रिप्टेड द फिल्म शेक्सपियर इन लव. हु वॉज दैट मैन जिसने एक फिल्म स्क्रिप्ट की थी? द नेम ऑफ द मैन प्लीज लेट मी नो. शेक्सपियर इन लव, राइट आंसर क्या आ रहा है प्लीज आपका? हरी अप ऑल ऑफ यू. एंड या आपका रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा है, वंडरफुल रिस्पॉन्स ऑल ऑफ यू. और हम लोग प्रीवियस ईयर PYQs मैंने आपसे सॉल्व कराने का प्रॉमिस किया था ना, तो हम लोग PYQs ही सॉल्व कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहेंगे ऐसे ही. ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश प्ले राइट स्क्रिप्टेड द फिल्म शेक्सपियर इन लव. Then answer for the question is, yeah, answer is Tom Stoppard, guys. है ना? The right one answer is Tom Stoppard. Yes, बिल्कुल. And he was from where? CSEZ. He was from SEZ. Tom Stoppard. So he scripted a movie entitled Shakespeare in Love. And those who are really literature lovers, so then guys, it's my request, please do watch the movie Shakespeare in Love by Tom Stoppard. You know, Tom Stoppard ne ise likha hai bahut hi acche se. Arrange the following in chronological order. Chronological order, see, Mary Wollstonecraft, Vindication of the Rights of Woman, Lyrical Ballads, French Revolution and Percy's Relics of Ancient English Poetry. Relics of Ancient English Poetry. सभी लोग जल्दी से, without any delay, without any ad break, आपको काम करना है अपना. Correct answer. Good evening everybody. So right answer इसका कौन सा बन रहा है? It's a lyrical ballads, French Revolution, Percy's Relics of Ancient English Poetry. इनमें से कौन सा सही combination होगा? Third one question.
देखिए इसको हम लोग ऐसे क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में सेलेक्ट करते हैं। मैरी वॉलस्टोन क्राफ्ट, इनका जो वर्क आया था वो 1792 में आया था, ठीक है। लिरिकल बैलेड इट वॉज केम इन द ईयर 1798। फ्रेंच रेवोल्यूशन इट वॉज केम इन द ईयर 1789, है ना, 1789। तो अब इसके बाद आता है परसीज रेलिक्स ऑफ एंशियंट इंग्लिश पोइट्री, व्हेन इट वॉज केम, आई थिंक इट वॉज केम इन द ईयर 1765। कब आया था, 1765। गलत तो नहीं कर रहा हूं, चेक कर लीजिएगा मे बी। सो सबसे पहले आएगा फोर्थ वन, इट मींस करेक्ट आंसर इज ए, नो नीड टू गो एनीवेयर। Which one is the right answer? Yes, the right one answer is this one. 4312. Okay, 4312. ये यही वाला आंसर आएगा आपके लिए और बिल्कुल यही आंसर ही आएगा। समझ गए होंगे आप सभी लोग, आई होप सो। है ना, ओके। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हियर इज द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज अ नैरेटिव स्ट्रक्चर इन विच द मेन एक्शन इज रिलेड एट सेकेंड हैंड थ्रू एन इनक्लोजिंग फ्रेम स्टोरी। सन्स एंड लवर्स, यूलिसिस, द पावर एंड ग्लोरी, हार्ट ऑफ डार्कनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्प्लॉयज अ नैरेटिव स्ट्रक्चर इन विच द मेन एक्शन इज रिलेड एट सेकेंड हैंड through an enclosing frame story। Right answer hurry up करके कर दीजिए please। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही जवाब करेंगे और आपके पास बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना, definitely आपके पास सही आंसर होना ही चाहिए। थोड़ा मैं और बड़ा किए दे रहा हूं क्वेश्चन ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट दिखता रहे। सो द राइट वन आंसर, किसी ने किया है सिलेक्ट या नहीं? यस, द आंसर इज हार्ट ऑफ डार्कनेस। अच्छा, ऐसा क्यों है? हार्ट ऑफ डार्कनेस, द पावर एंड ग्लोरी, यूलिसिस, सन्स एंड लवर्स। सबसे पहले इसको किसने लिखा? इसे लिखा लॉरेंस ने। इसे किसने लिखा? तो इसे लिखा है जॉयस ने। इसे किसने लिखा है? तो इसे लिखा है ग्रीन ने। और इसे किसे किसने लिखा? हार्ट ऑफ डार्कनेस। सो हार्ट ऑफ डार्कनेस, है ना, जोसेफ कॉनराड ने, ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस। एंड इन मोस्ट ऑफ द वर्क्स, आपको पता होना चाहिए, इन जोसेफ कॉनराड्स वर्क व्हाट यू कैन सी, नैरेटिव स्ट्रक्चर कैन बी सीन। मार्लोव एक नैरेटर आपको मिलता है ना इनके वर्क में, मार्लोव। सो यहां पर यही है, इंप्लॉयज अ नैरेटिव स्ट्रक्चर, ओके, इन सेकेंड हैंड आप अगर देखें, ठीक है, या सो आई थिंक ये राइट आंसर यही वाला है, बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। नेक्स्ट वन इज द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट। द आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट वॉज हेराल्डेड बाई सच फिगर्स एज। The Irish Dramatic Movement was heralded by such figures as W.B. Yeats, Lady Gregory and Edward Martin, Jonathan Swift and his contemporaries, H. Drummond, Edward Irving and John Irwin, Oscar Wilde and his contemporaries. Correct answer कौन होगा? चलिए बता दीजिए। सो बिल्कुल इसका जो सही आंसर है आपके लिए कौन सा वाला है? फिफ्थ का, फिफ्थ वाले का गाइज राइट आंसर। वाओ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सेलेक्ट कर लिया है, बिल्कुल सही आंसर है आयरिश ड्रामेटिक मूवमेंट, है ना,
आयरिस ड्रामेटिक मूवमेंट वॉज हेराल्डेड बाई सच फिगर्स एज डब्ल्यू बी एट्स, लेडी ग्रेगरी, एडवर्ड मार्टिन, ये सब लोग। तो यही वाला आंसर सही है गाइज, यू नो आयरिस ड्रामेटिक मूवमेंट है ना, आयरिस ड्रामेटिक मूवमेंट। और आपको पता होगा एक बहुत ही अच्छे थिएटर का नाम आता है एबी, एबी थिएटर। कितने लोगों ने नाम सुना है एबी थिएटर का? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट एबी थिएटर? है कोई जिसने सुना हो एबी थिएटर के बारे में? हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस थिएटर है एबी थिएटर। नेक्स्ट वन, विच पोयम बाई चासर वॉज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लांसे, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउट गाइज, या वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउट। सो कौन सा वर्क है? ट्रोलस एंड क्रेशिड, द हाउस ऑफ फेम, द बुक ऑफ डचेस, द लीजेंड ऑफ गुड वुमन। गो फॉर इट। सिक्स्थ वन राइट आंसर इज, या देयर इज अ वर्क रिटन बाय ज्योफ्री चासर एंड द नेम ऑफ द वर्क इज द बुक ऑफ डचेस, द बुक ऑफ डचेस। दिस इज द वर्क कंपोज्ड बाय ज्योफ्री चासर एंड इन दिस वर्क ज्योफ्री चासर ही डिपिक्टेड द डेथ ऑफ ब्लांसे, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउट। ओके, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गाउट एंड हाउस ऑफ फेम, ट्वालेस एंड क्रेशिड, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। अदर वर्क्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद ज्योफ्री चासर, ट्रोलस एंड क्रेशिड। ये गाइस ट्रॉय वाली स्टोरी पर बेस्ड है, ट्रॉय जो वाली स्टोरी है ना, ट्रॉय मूवी आपने देखा होगा। द हाउस ऑफ फेम एंड द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट द वुमेन्स हैविंग गुड कैरेक्टर इन दिस वर्क। उन्होंने कुछ लेडीज के बारे में बात किया है, दे वर टॉक एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट द लेडीज विद गुड कैरेक्टर, क्योंकि चासर को एंटी फेमिनिस्ट कंसीडर किया जाने लगा था इसीलिए। देन सी द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स, द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स। ये बहुत ही ईजी है ना, देखते ही लगता होगा, क्लिक कर दो भाई डायरेक्टली। द राइट आंसर इज, इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, द ट्रेजेडी दैट इज नोन एज गार्बोडर। फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, राल्फ रोस्टर ट्विस्टर, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, राल्फ रोस्टर ट्विस्टर, फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। जेमन एंड पाइथीज, लैमेंटेबल ट्रेजेडी, इसका जो राइट आंसर है वो है गौर बोडक, गौर बोडक। ठीक है, बिल्कुल, फर्स्ट कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजेडी। इसके बाद देखिएगा, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स इज ऑस्ट्रेलियन, इनमें से क्या कोई ऑस्ट्रेलियन है? चेक इट आउट, ऑस्टिन क्लार्क, जुडिथ राइट, एडविन मेयर, डेरेक वॉलकॉट। थॉमस शैकविल एंड नॉर्टन, बिल्कुल करेक्ट आपने अनुप्रिया सही बताया है, थॉमस शैकविल एंड नॉर्टन ने इसे ओके। सो देखिए, इसके लिए जो सही आंसर है एट्थ वाले का, द राइट आंसर इज जुडिथ राइट। ऑस्ट्रेलियन कौन है इनमें से? जुडिथ राइट। अगर आपने कभी ऑस्ट्रेलियन पोएट्स के बारे में या राइटर्स के बारे में पढ़ा होगा, सो देन ऑस्ट्रेलियन के बारे में आपको पता चला होगा जुडिथ राइट। अगर हाँ आप बात करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं, डेरेक वॉलकॉट है ना,
बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट वॉल कोड सेलेक्ट किया है, बट नो गाइज प्लीज चेक आउट कि डायरेक्ट वॉल कोड क्या ऑस्ट्रेलियन थे, देन यू विल गेट द आंसर, यू विल गेट द आंसर। बाय द वे अगर मैं बात करूं डायरेक्ट वॉल कोड, तो पहली बात वो मिक्स ब्रीड थे, सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है मिक्स ब्रीड थे, है ना। सो आप कैसे कह पाएंगे कि ठीक है। Here is the next one question. He found it English brick and left it marble. Who made this remarkable statement? किसने इस remarkable statement को दिया था? Yes. He found English a brick and left it marble. ये statement किसने दिया था? Great writer on another. So Milton on Shakespeare, Dryden on Milton, Johnson on Dryden, Johnson on Shakespeare. Sir, wall code भी तो एब original Australian थे, but Australia से ज्यादा हाँ जॉनसन ऑन ड्राइडन बिल्कुल सही आंसर। मैं भी बात करूंगा ऑस्ट्रेलियन वाले का, ठीक है। यस, इसमें जो राइट आंसर है दैट इज जॉनसन ऑन ड्राइडन, ठीक है, जॉनसन ऑन ड्राइडन, जॉनसन ऑन ड्राइडन इट मींस यू नो। हाँ एक और आपको याद आ रहा होगा, He found it a dialect and left it a language. याद आ रहा है ना? He found it a dialect and left it a language. याद आया कुछ? He found it a dialect and left it a language. याद आ रहा है कुछ या नहीं? देखिए, he found it English a brick and left it marble, and he found it a dialect and left it a language. है ना, ये याद आया नहीं? प्लीज ऑल द लविंग क्यूटी एस्पिरेंट्स, भाई देखिए आंसर किया करिए तो मन से किया करिए, लर्न कीजिए तो मन से लर्न करने की जरूरत है। यस करेक्ट, किसने लिख दिया? पॉलमी ने लिखा है यस ऑन चासर, बिल्कुल सही आपने कहा है कि चासर के लिए है। और कहा किसने है ये? तो ये ड्राइडन ने कहा है, या किसी और ने कहा था? अभी तो मैं ये कंफर्म नहीं कर सकता कि चासर ने कहा था कि लॉन्ग ने कहा था। मैंने दो ऑप्शन आपको मैं दे देता हूं, चलिए। इज इट बाई चास, इज इट बाई ड्राइडन और इज इट बाई लॉन्ग, दो ऑप्शन है आपके लिए। इट्स ड्राइडन और इट्स लॉन्ग, कौन है चलिए कभी बताइएगा मुझे। ड्राइडन और लॉन्ग, दो लोगों में से किसी एक ने कहा है ही फाउंड इट अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज, और बाकी डिसीजन आपके ऊपर है। आप लेटर ऑन आप डिसीजन लीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नोबेल लॉरिएट, इनमें से कौन से नोबेल लॉरिएट हैं? टोनी मॉरिसन, सीमस हीनी, टेड ह्यू और ज्योफ्री हिल, इनमें से कौन एक आपके ऐसे हैं जो नोबेल लॉरिएट है? Who among the following is a Nobel laureate? याद आ रहा है कुछ? वैसे याद आ ही गया होगा आपको, है ना, याद होने में थोड़ी ना टाइम लगता, याद आने में तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता, लिटिल लिटिल बिट, और लिटिल लिटिल बिट का मतलब है कि थोड़ा सा लिटिल बिट। हर ये बडीज आंसर कीजिए, सो द राइट वन आंसर गोज टू, देखिए इनमें से कौन थे जो नोबेल लॉरिएट थे? देखिए नोबेल लॉरिएट और पोएट लॉरिएट ये दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। नोबेल लॉरिएट दैट इज डिफरेंट वन, एंड पोएट लॉरिएट इज डिफरेंट, बिकॉज Someone wrote on comment box Ted Hughes, है ना,
किसी ने लिखा टेड ह्यूग्स, इट्स सीनू सिंह। तो देखिए इनमें से सीमस हीनी थे जिन्हें मिला था नोबल प्राइज। 1995 इज द ईयर जब इन्हें नोबल प्राइज मिला। किस ईयर में? 1995 इज द ईयर ही रिसीव्ड नोबल प्राइज ऑफ लिटरेचर। एंड सीमस हीनी, ट्रांसलेटर ऑफ बीवुल्फ, द मैन हु ट्रांसलेटेड बीवुल्फ इनटू मॉडर्न इंग्लिश। ये वाला देखिए क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है आपके लिए, अच्छा लग रहा होगा। चलिए मैचिंग में बाद में दिखाऊंगा, बट सबसे पहले आप यहां पर मैचिंग कर लीजिए। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, ओ कैप्टन माई कैप्टन, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, सो मच डिपेंडेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रॉस्ट, कार्लोस विलियम डिकिंसन, वॉल्ट विटमैन। इसमें से आपको बिल्कुल सही आंसर चूज करना है। सो देखिए सबसे पहले हम लोग मैच करेंगे किसको, तो हम लोग मैच कर सकते हैं इमली डिकिंसन, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ एसोसिएटेड विद डिकिंसन। ओ कैप्टन माय कैप्टन, है ना, वॉल्ट विटमैन। नेक्स्ट वन इज टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, दैट इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सो मच डिपेंड्स अपॉन, दैट इज बाय वाओ विलियम कार्लोस विलियम्स। बिल्कुल मिल गया सही आंसर। या देखिए दिस इज द वे कि हम लोग आंसर्स को सर्च करते हैं, दिस इज द वे। अब आप कहीं भी हो, कहीं पर भी हो, आप आंसर कर सकते हैं, नो इशू ना। बिल्कुल यस, सही जवाब आपको मिल गया है। इसके बाद देखिए ये मैचिंग दिया हुआ है, मैचिंग से तो बाद में मिल लेंगे हम लोग। हाँ, नेक्स्ट वन क्वेश्चन ओनली फॉर यू। सो दिस इज द प्री डोमिनेंट टोन एंड थर्स्ट ऑफ जोनाथन स्वीप्स अ मॉडेस्ट प्रपोजल आर कॉमिक, सॉलमन, हॉर्टेटरी और आयरनी। ट्वेल्थ नंबर का क्वेश्चन आपको आंसर करना है फटाफट, ट्वेल्थ नंबर वाला। हाँ, सो देखिए इसका जो सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर है, तो मैं आपको बता दूं, सही वाला जो जवाब है आपके लिए वो है आयरनी, है ना। मॉडेस्ट प्रपोजल बाई जोनाथन स्विफ्ट, इट्स आयरनी, आयरनिकल वर्क, इट्स आयरनी, है ना। बिल्कुल डी आंसर बिल्कुल सही है, करेक्ट है, आयरनी। आयरनी क्यों गाइस? क्योंकि मॉडेस्ट प्रपोजल इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ मॉडेस्ट एट ऑल। यहां पर जो आपके जोनाथन स्विफ्ट है तो फिर बहुत ही भयानक बात करने वाले। ही इज गोइंग टू सजेस्ट आयरिश पीपल टू मेक देयर चाइल्ड एज फूड एंड, है ना, टू सेल देयर चाइल्ड एज फूड। तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप का प्रपोजल है, मॉडेस्ट प्रपोजल, प्लीज डू रिमेंबर, आयरनिकल वर्क है। सिट इन वन ऑफ द डाइव्स ऑन 52nd स्ट्रीट, uncertain and afraid as the clever hopes expire of a low dishonest decade, so begins on in September 1, 1939. What is the meaning of the word in italics? इसमें से italics word तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है, है ना, italics word तो इसमें नजर ही नहीं रहा आ रहा है कि कौन सा वाला italics word है। By the way, अब इस क्वेश्चन को क्या, कौन सा वाला इटैलिक्स है प्लीज चेक कीजिएगा, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक नजर आ रही है मुझे, 13th नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ऑन 52nd स्ट्रीट, यहां पर इटैलिक्स तो मैंने किया नहीं है। चलिए कोई नहीं, इसे आप चेक कर लीजिएगा। राइट आंसर है इसका नाइट क्लब, ठीक है, आंसर इज नाइट क्लब, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा अगर आपको यह पता हो कि कौन सा वाला इटैलिक्स था रियल वाले क्वेश्चन में जो एनटीए ने पुट किया था।
सो विच वन वर्ड वॉज इटैलिक्स, और गुरुजी इटैलिक्स, चलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिया नहीं इटैलिक्स ना, तो देख लीजिएगा आप। सी के ऑगडन एंड आई ए रिचर्ड वर रेप्यूटेड इन द 1930s फॉर इंट्रोड्यूसिंग प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, स्टैंडर्ड इंग्लिश प्रोजेक्ट, बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट। ये वाला आंसर तो सभी विद्यार्थी वैसे जानते ही होंगे, जानते हैं ना। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। हे बडीज, राइट वन आंसर कौन सा है इसका वाला? सो यू ऑल आर फैमिलियर बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट, है ना, बेसिक इंग्लिश प्रोजेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विद द टू, सी के ऑगडन एंड आई ए रिचर्ड। सी के ऑगडन एंड आई ए रिचर्ड अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने 850 वर्ड्स कलेक्ट किए थे, एंड दिस प्रोजेक्ट वॉज फॉर वॉट, सो दिस प्रोजेक्ट वॉज एसोसिएटेड विद चाइनीज पीपल्स, कि उनको इंग्लिश सिखाने के लिए, है ना, या चाइनीज पीपल्स के साथ उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए, दैट इज ठीक है। यस, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डज मिसेस मैलाप्रॉप अपीयर, द राइवल्स, सी स्टूप्स टू कंक्वर, द मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, द वे ऑफ द वर्ल्ड। एक टर्म आता है गाइज आपके लिए, मिसेस मैलाप्रोपिज्म, है ना, या मैलाप्रोपिज्म एक टर्म आता है ना, इसी से एसोसिएटेड, एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द सेम लेडी, मिसेस मैलाप्रॉप। बिल्कुल, देखिए इसका सही आंसर है सी स्टूप्स टू कंक्वर, दिस इज द राइट आंसर। आर बी शेरिडन, आर बी शेरिडन, ठीक है, सी स्टूप्स टू कंक्वर, ये किसने लिखा है, सी स्टूप्स टू कंक्वर बाय गोल्ड स्मिथ, क्या नाम है गाइज उनका, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, सी स्टूप्स टू कंक्वर। इट ऑल्सो हैज अ सब टाइटल, मिस्टेक ऑफ अ नाइट, मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, दिस इज बाई, क्या नाम है गाइज उनका, एंड रेडक्लिफ, मिस्ट्रीज ऑफ यूडोल्फो, एंड द वे ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज बाई विलियम कॉन्ग्रीव। ये सारे वर्क आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस डीप में पूछे जाते हैं, ठीक है, ये सभी वर्क आपको पता होना चाहिए, सब पूछे जाते हैं बट डीप में, ऑन योर यूजीसी नेट एग्जाम। एंड मैलाप्रॉप द राइवल, मिसेस मैलाप्रॉप, है ना, एंड रेडक्लिफ, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रिस्टोफर मार्लोव आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्रिस्टोफर मार्लोव के लिए बिल्कुल सही है? एडवर्ड द सेकेंड वॉज रिटन इन लास्ट ईयर ऑफ मार्लोव्स लाइफ, मैनी क्रिटिक्स कंसिडर डॉक्टर फॉस्टर्स टू बी मार्लोव्स बेस्ट प्ले, His Spanish tragedy comes a close second. Marlowe was less educated than Shakespeare. आपको ऑप्शन चूज करना है। ओलिवर गोल्डस्मिथ, पॉलमी, इट्स नॉट हॉरेस वॉलपोल, प्लीज, आप गलत हैं, हॉरेस वॉलपोल नहीं है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो बिल्कुल सही ये वाला है, दिस इज द राइट वन आंसर। एडवर्ड सेकेंड वॉज रिटन इन द लास्ट ईयर ऑफ मार्लोव्स ऑन लाइफ, मैनी क्रिटिक्स कंसिडर डॉक्टर फॉस्टर्स टू बी मार्लोव्स बेस्ट पीस, बिल्कुल मास्टर पीस माना जाता है, मास्टर पीस हम लोग इसे मानते हैं, ठीक है, डेफिनेटली 16 मास्टर पीस हम लोग इसे मान ही लेते हैं। आर्ट फॉर आर्ट्स सेक बिकम अ रैलिंग क्राई फॉर,
आर्ट फॉर आर्ट सेक, आई आर्ट फॉर आई आर्ट. मैंने अभी जल्दी ही आपको पढ़ा रहा था ना टर्म्स ऑन अन अकेडमी फ्री प्लेटफॉर्म, ऑन अन अकेडमी द लर्निंग एप. सो आई वॉज टीचिंग लिटरेरी टर्म्स, एंड लिटरेरी टर्म्स में मैंने ये बताया था ना आर्ट फॉर आर्ट सेक, अ रैलिंग क्राई फॉर द एस्थेटिक्स, द सिंबलिस्ट, द इमेजिस्ट, द आर्ट नो स्कूल. आया राइट आंसर? वाह, आंसर इज द एस्थेटिक्स, है ना, द एस्थेटिक्स, टी आई सी एस होना चाहिए था यहां पर. सो एस्थेटिक्स गाइज, एस्थेटिक्स के लिए ये था सब कुछ. आर्ट फॉर आर्ट सेक, आई आर्ट फॉर आई आर्ट, आई आर्ट फॉर आई आर्ट. ये फ्रेंच से आया था गाइज, फ्रांस से, फ्रेंच है. पढ़ाया था मैंने, याद आ रहा है सबको कि नहीं? अरे बता तो दीजिए कि हाँ सर याद आया हल्का हल्का सा. कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, दिस इज द वर्क बाय कॉलरिज, शैली, डिक्वेंसी, लॉर्ड बायरन. अभी एक दिन मुझसे एक स्टूडेंट ने कहा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट नहीं किए जाते. यस स्टूडेंट्स, आई ऑल्सो बिलीव कि रिपीट नहीं किए जाते, बट डू नॉट फॉरगेट कि इन्हीं के कॉन्सेप्ट. मान लीजिए कि यहां पर वर्क का नाम पूछा, लेटर ऑन ईयर पूछ लेंगे, फिर इसके थोड़ा सा अंदर लाइक कन्फेशन ऑफ इंग्लिश ओपियम ईटर हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, इस तरह से क्वेश्चंस आपके चेंज होते हैं, है ना. थॉमस डिक्वेंसी, बिल्कुल थॉमस डिक्वेंसी, कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, थॉमस डिक्वेंसी, ठीक है, थॉमस डिक्वेंसी ने लिखा है कन्फेशन ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर. And he also wrote Knocking at the Gate in Macbeth. Knocking at the Gate in Macbeth. Knocking at Gate in Macbeth. है ना? Gate in Macbeth. This is also एक और इनका work है The English मेल कोच. एक और वर्क है थॉमस डिक्वेंसी का, रैमनिसेंस करके है, मुझे थोड़ा याद कम आ रहा है. हियर इज द नेक्स्ट वन. हाँ यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैंटरबरी टेल इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट कैंटरबरी के लिए सही है. 19 नंबर गाइज आपको आंसर करना है प्लीज. और देखिए ये वाले का आंसर कीजिए, अब ट्रू अबाउट कैंटरबरी. मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूं. ओके सो अब आ जाते हैं हम लोग सही आंसर पर. मे बी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया होगा 19. देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा कौन सा वाला होगा, ठीक है. 19 देखिए, द जनरल प्रोलॉग इज अपेंडेड टू द कैंटरबरी टेल, इज इट ट्रू और नॉट. इन और चासस टेल 30 टेल्स इन द वर्क, नहीं ये तो गलत है. Canterbury Tales remained unfinished at the time of its author's death. Is it so? Then मेरा आंसर आता कि हाँ बिल्कुल सही है ये वाला तो. Yes. The wife of Bath, the clerk, Sir Gavin. नहीं नहीं. Wife of Bath है, clerk है, Franklin है. Yes. But Gavin is not there. इसका मतलब ये वाला भी नहीं है, है ना? Remained unfinished सही लग रहा है. The general prologue is appended to the Canterbury Tales. It's not appended actually. General prologue appeared, है ना? General prologue appeared in the beginning. कल भी students मेरी class 6 p.m. थी, but the thing was कि कल का program cancel हो गया था. मेरी आज तबीयत भी खराब थी, but still मुझे लगा
स्टूडेंट्स मेरा वेट करते हैं, तो एटलीस्ट आ जाना चाहिए लाइव। अभी गोलियां खाई हैं, गोलियां खाने के बाद पढ़ा रहा हूं। Who among the following was a Catholic novelist, an intelligence officer, a film critic, and set his fictions in faraway places wrecked by political conflicts? Anthony Powell, Evelyn Waugh, William Golding, Graham Greene. 20. So the right one answer for the question is, I think it's Graham Greene. Okay, Graham Greene is the right answer. A Catholic novelist. इनको लेकर के कई बार इस तरह के questions आ चुके हैं in different exams. So Graham Greene is the right one answer. देखिए matching वाला question है आपके लिए, match कीजिएगा. Good sense is the body of poetic genius. Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge. Literary criticism is description and evaluation of its object. Nature never set forth the earth in as rich a tapestry as diverse poets have done. Brooks, the formalist critic. Sidney, defense and apology for poetry. Wordsworth, preface to lyrical ballad. Coleridge, biographia literaria. अच्छा मतलब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स, अब मैं क्या कहूं, मतलब जैसे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं सर क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं, देखिए कितनी अच्छी, रिपीट हो ना हो बट यू कैन सी कि कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपके लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखी है। जब आप इसका आंसर सही कर लेंगे सो देन सच में आपको लगेगा कि वाओ। देखिए मैं थोड़ा सा आपके लिए मैचिंग कर लेता हूं, है ना। देखिएगा सबसे पहले पोएट्री इज द ब्रीथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, वर्ड्सवर्थ ने कहा है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इसमें कहा इन्होंने, ठीक है, यस। इसके बाद देखिए नेचर नेवर सेट फोर्थ द अर्थ इन एज रिच अ टैपेस्ट्री एज डाइवर्स पोएट्स हैव डन, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सिडनी के साथ एसोसिएटेड है। डिफेंस और एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, ठीक है, यस। इसके बाद गुड सेंस इज द बॉडी ऑफ पोएटिक जीनियस, ये गाइस आपका कॉलरिज का है, सैमुअल टेलर कॉलरिज का। और इसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज डिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट द फॉर्मलिस्ट क्रिटिक, ये आपके लिए बिल्कुल सही मैचिंग बनती है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे आप इसकी सही मैचिंग कर सकते हैं। लेटर ऑन देखिए यहां पर डाउन साइड में ये आपको देखिए एटलीस्ट लर्न करने को क्या मिला। देखिए नीथ ब्रुक ही वाज अ फॉर्मलिस्ट क्रिटिक, सिडनी का वर्क है डिफेंस और जिसे बोलते हैं अपोलॉजी फॉर पोएट्री, वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड इन्होंने लिखा है, कॉलरिज बायोग्राफिया लिटरेरिया, और इनके ये स्टेटमेंट ऑन दीज वर्क्स अपीयर्स, कितना सारा लर्न करने को मिलता है ना। तो कभी ये क्वेश्चन करना कि सर क्या रिपीट होता है, देन इट्स अ बिग यू नो मिस्टेक कि आप लोग ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल बुक्स डज मार्क ट्वेन गिव एन अकाउंट ऑफ हिज विजिट टू इंडिया, अ ट्रैम्प अब्रॉड, रफिंग इट, द इनोसेंस अब्रॉड, फॉलोइंग द इक्वेटर। 22, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आते रहो, देखते रहो, जाते रहो, है ना, मजे करो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवल बुक डज मार्क ट्वेन गिव एन अकाउंट ऑफ विजिट टू इंडिया, देखिए इसके लिए जो बिल्कुल सही वाला आंसर है 22 का वो कौन सा है, फॉलोइंग द इक्वेटर। इन दिस पर्टिकुलर वर्क बाय मार्क ट्वेन यू कैन सी अकाउंट ऑफ हिज विजिट टू इंडिया, इंडिया की विजिट का अकाउंट आपको इस वर्क में मिलता है, फॉलोइंग द इक्वेटर बाय मार्क ट्वेन। मार्क ट्वेन गाइस किन वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, जैसे टॉम शायर है ना, हकलबेरी फिन एक और इनका वर्क है गाइस। किस तरह के वर्क हैं ये,
पिकरेस्क, दीज आर नोन एज द पिकरेस्क नॉवल, ठीक है, पिकरेस्क नॉवल। विलियम ब्लेक्स फेमस पोएम्स सच एज लंडन, द सिक रोज एंड द टाइगर अपियर इन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, विजन ऑफ द डॉटर ऑफ एल्बियन। करेक्ट आंसर आपको लग रहा है विलियम ब्लेक्स फेमस पोएम्स सच एज लंडन, द सिक रोज एंड द टाइगर अपियर इन। 23 का राइट आंसर, चलते चलो भाई 23 का गाइस देखिए जो आंसर है दैट इज बी ऑप्शन, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और ये सारे वर्क जो है ना ब्लेक के हैं, विलियम ब्लेक के। इट मे बी सॉन्ग्स ऑफ इनोशंस, दिस इज ऑल्सो बाई विलियम ब्लेक, मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल, ये वही वाला वर्क है डेविल्स पार्टी वाला, डेविल्स पार्टी मिल्टन को कहा था ना, एंड विजन ऑफ डॉटर्स ऑफ एल्बियन। सो ये भी गाइज इनका ही वर्क है, ऑल द वर्क्स, या ठीक। सी नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिश आर्टिस्ट इलस्ट्रेटेड द नॉवेल्स ऑफ डिकेंस एंड स्कॉट्स, कौन है वो, रिचार्ड होगार्थ, जोसुआ रेनॉल्ड्स, जॉर्ज क्रुशैंक और जॉन टेनियल। करेक्ट आंसर फटाफट, बिल्कुल शीतल लिटरेचर लवर आपने सही लिखा है, मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो क्या सही में थे क्या डेविल्स की पार्टी से, मुझे भी कभी कभी लग जाता है डेविल्स की ही पार्टी से रहे होंगे, इजंट इट भाई, डेविल्स की पार्टी से ही तो रहे होंगे तभी तो। Illustrated the novels of Dickens and Scott's. So, right answer है guys 24th वाले का C option, it's George Cruikshank. Guys, yeah, this is the name. थोड़ा new type का ये question है ना? Yes, George Cruikshank. This is the right one answer by the way. 24 C option. बी ऑप्शन ज्यादातर लोगों ने लिखा ना, जोसुआ रेनॉल्ड्स। 24 सी, सभी का रॉन्ग हो गया, कोई बात नहीं चलेगा। द लास्ट ऑफ गुलीवर्स ट्रेवल्स इज टू, गुलीवर ट्रेवल तो आपको पता ही है, लैंड ऑफ हॉइव एनिमल्स, लैंड ऑफ होमोसैम्पियंस, द लैंड ऑफ हरिकेन्स, द न्यू फाउंड लैंड। गुलीवर ट्रेवल याद आ रही, गुलीवर ट्रेवल की कुछ, गुलीवर ट्रेवल बाय स्विफ्ट, स्विफ्ट जोनाथन स्विफ्ट है ना, गुलीवर ट्रेवल बाय जोनाथन स्विफ्ट। देखिए यहां पर फोर ट्रेवल्स हैं, फोर ट्रेवल्स आर देयर है ना, फोर ट्रेवल्स में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में है। देखिए होमो शैंपियंस नहीं है, हरिकेन्स नहीं है, न्यू फाउंड लैंड नहीं है, यही वाला है The land of Hyuhanimus, horses endowed with reason. याद आया, horses endowed with reason. This is the place. Horses endowed with reason. यही वो place है. ठीक? Yeah. Horses endowed with reason. Madam Merle is a character in. Madam Merle का नाम सुना आपने? हाय मैडम जी, मैडम मर्ले इज अ कैरेक्टर इन द ग्रेट गैट्सबी, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द जंगल, द हर्ट इज अ लोनली हंटर। पूनम मैं तो PYQ लेकर के आया, इसके लिए आपने थैंक यू बोल दिया, एंड थैंक यू टू, क्योंकि मेरी तरफ से भी आप सभी को बिग बिग थैंक यू कि आप लोग क्लास में आए, वरना PYQs का नाम देख करके स्टूडेंट्स को पता है क्या लगता, अरे यार कुछ नहीं होगा भाई, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। बट एक्चुअली में देखिए, जब तक आपके अंदर ये सब अंडरस्टैंडिंग नहीं है,
यू डोंट नो द पैटर्न, एक्चुअल पैटर्न, सो देन तब तक आप बेकार हैं, तब तक आप डेफिनेटली बेकार हैं। देखिए इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, मैडम मरले जो रहती है, तो यहां पर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में एक लेडी है जिनका नाम है क्या, एलिजाबेथ नाम है ना, यस एलिजाबेथ, एलिजाबेथ नाम, और इन्हें एक इंसान पसंद आता है जिसका नाम है गिलबर्ट, गिलबर्ट ऑसमॉन्ड है ना, और ये जो मैडम मरले हैं ये गिलबर्ट ऑसमॉन्ड की समझ लीजिए एक टाइप से इलीगल टाइप की वाइफ है, और इनको और दोनों को मिलाकर के एक बेटा होता है, याद आया, यस गिलबर्ट ऑसमॉन्ड और मैडम मरले की एक बेटी बेटी है रहती है ना, यस पेंजी नाम रहता है उसका, पेंजी पी ए एन एस वाई, ठीक। और एलिजाबेथ की अगर मैं बात करूं तो आप एलिजाबेथ को तो जानते हैं, इस गिलबर्ट ऑसमॉन्ड ने एलिजाबेथ को फंसाया था, है ना, याद आ गया, गिलबर्ट ऑसमॉन्ड, यस पेंजी। In which of the following scenes of the wasteland do we have a departure from standard English? कहां पर टी एस एलियट ने wasteland में standard English से departure ले लिया है? कार्तिकेय गौर, आपका कमेंट सच में बहुत ही अच्छा है रियली, और मोटिवेट करने वाला है कि पी वाई क्यूज से हम बहुत कुछ लर्न करके अपनी आगे की स्टडी स्ट्रॉन्ग करते हैं, सही है। द टाइपिस्ट सीन, पब सीन, द हायसिंथ गार्डन सीन, द चैपल पेरिलस सीन, 27 का राइट आंसर जो है वो है द पब सीन, है ना। इन द पब सीन अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड इंग्लिश जो है यहां पर चली, डिपार्टेड फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश, डिपार्चर कैन बी सीन फ्रॉम स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है, बिल्कुल सही। द वर्ड्स इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली, द वर्ड्स इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन देन इट वर वेल इट वर डन क्विकली आर अटर्ड बाई हैमलेट, लियर, ओथेलो और मैकबेथ, 28। कौन है भाई जो इतना डन 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 की बात कर रहा है? सो देखिए इतना फास्ट रहने वाला विलियम शेक्सपियर का एक ही कैरेक्टर है, एंड द नेम ऑफ द कैरेक्टर इज, ये तो डिले वाले हैं भाई साहब, इनको तो फ्लैटरी से फुर्सत नहीं है, और ये बेवफाई पर जी रहे थे, इनफिडेलिटी। देन मैकबेथ इज द मैन ऑफ एक्शन, है ना, बोले काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, सो इफ इट वर डन, अगर ये करना है व्हेन इट इज डन तो इसे तब तक हो जाना चाहिए, देन इट वर वेल तो बिल्कुल सही बात है, जल्दी करो इसे, है ना, तो काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, एक ही इंसान तेज था विलियम शेक्सपियर वाला। एब्सोलेम एंड अकिटोफेल बाय ड्राइडन इज अ रिलीजियस ट्रैक्ट, पॉलिटिकल एलेग्री, कॉमिक वर्ड से पिक, कॉमेडी है, क्या है ये? चलिए बढ़ते चलो, चले चलो, बढ़ते चलो और चले चलो। John Dryden's Absalom and Achitophel is a religious tract, political allegory, comic verse epic, comedy. क्या है ये? So इसका बिल्कुल जो सही आंसर है, that is correct one answer is religious tract, political allegory or comic verse. It's a political allegory, है ना? इट्स अ पॉलिटिकल एलेगरी, करेक्ट, बिल्कुल। अगर देखा जाए तो बिब्लिकल और पॉलिटिकल दोनों चीजें इसी में नजर आ रही हैं। द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेंस इज एसोसिएटेड विद, द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेंस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ,
अर्नोल्ड वेस्कर, जॉन अर्डन, हैरोल्ड पिंटर, डेविड हेयर। आज हमारे बच्चे काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। हाँ तो सबने लाइक कर दिया है एक बार वीडियो को या नहीं प्लीज? ओ माय गॉड, ओनली 5 लाइक्स, क्या बात है। आप लोगों को तो मतलब ऐसे लगता है कि जैसे आप लोगों ने बिल्कुल कसम खा ली होगी कि कैसे भी हो हम लाइक नहीं करेंगे, कैसे भी कर लो गुरुजी हम लाइक नहीं करेंगे, है ना। द टर्म कॉमेडी ऑफ मीनेंस इज एसोसिएटेड विद द अर्ली प्लेज ऑफ, तो किसके साथ एसोसिएटेड है? अर्ली प्लेज ऑफ, हाँ वही वाले भाई साहब होंगे, पिंटर, पिंटर, हैरोल्ड पिंटर, है ना, यस। और वेस्कर, सो ही वॉज बिजी विद हिज ट्रिलॉजी। लेटर ऑन देखिए भी एक क्वेश्चन और भी कभी नजर आएगा, वेस्कर ट्रिलॉजी, यस वेस्कर ट्रिलॉजी, है ना, वेस्कर ट्रिलॉजी जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। डू रिमेंबर प्लीज, डू रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैं आपको शो कर दूं, नेक्स्ट वन देखिए। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई वन ऑफ देम व्हिच इज नॉट ट्रू। चलिए जल्दी से इसका आंसर करें फटाफट। मैं स्क्रीन से अपनी साइड में हूं, चलिए फिर बिल्कुल सही वाला आंसर देखेंगे हम लोग, 31, है ना। सो 31 का कौन सा आंसर है? रुडयार्ड किपलिंग डाइड इन 1936, कुछ ऐसा है क्या? ही वॉज बोर्न इन इंडिया बट स्कूल्ड इन इंग्लैंड, इंडिया में पैदा हुए थे लेकिन स्कूलिंग इंग्लैंड में हुई थी, ऐसी कोई बात थी क्या? ही वॉज रिटर्न टू इंडिया एज अ पुलिस कॉन्स्टेबल इन बर्मा, Which is not true। देखिए सही वाली बात यह है कि देखिए यह भी सही है, यह भी सही है। He is the author of Jungle Book, यह भी सही है। तो यह क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये नहीं थे जो बर्मा में एज अ कॉन्स्टेबल लौटे थे, वो थे जॉर्ज, क्या नाम था उनका, जॉर्ज ऑरवेल थे ना, जो बर्मा में एज एन पुलिस ऑफिसर लौटे थे। मुझे जहां तक याद है कि वो जॉर्ज ऑरवेल थे, GEORGE, जॉर्ज ऑरवेल थे ना, ऐसा ही कुछ था, प्लीज बता दीजिए जल्दी से। जॉर्ज ऑरवेल वॉज द मैन, है ना, जो पुलिस ऑफिसर बनकर के लौटे थे। हाँ अब याद आया आपको, अब आप लोग बड़े समझदार हो गए हैं भाई। हाँ बालचंद्र राजन, What is the correct combination of the following? Balchandra Rajan, the Tamarind Tree, R.K. Narayan, then Kamala Markandeya, and then C. Roman Basu, the Dark Room. थर्टी टू का राइट आंसर आप सभी को करना है, बिल्कुल 32। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे हमें नहीं कभी कुछ समझ में आया, इसका देखिए कॉम्बिनेशन भी होगा, यहां पर नीचे ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ है लेकिन थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तभी ये कॉम्बिनेशन समझ में आएगा, अ लिटिल बिट, है ना। सो ये कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है आपका, कॉम्बिनेशन से सही करना है। हाँ ये क्लासेस लाइव है क्या? प्लीज एवरीवन बता दीजिए भैया लाइव है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका यह है 32। देखिए इसका जो सही आंसर है वो अगर आपको मे बी दिख ना रहा होगा, बट हो सकता है दिखने लगे, ये वाला इसका सही आंसर है, फर्स्ट वाला ही सही आंसर है जहां तक। 1, 2, 3, बालचंद्र राजन द डार्क डांसर, आर के नारायण का कौन सा है द डार्क रूम, सेकेंड टू डी। कमला मार्कंडिया का कौन सा वाला वर्क है? सो कमला मार्कंडिया, डी ऑप्शन द कॉफर डैम, डैम्स,
एंड रोमन बसु का वर्क है द ट्रामरिंड ट्री। ठीक, ये बिल्कुल सही मैचिंग है और मैचिंग के लिए थोड़ा सा इसे छोटा करना पड़ेगा और ये छोटा नहीं हो पा रहा इसलिए थोड़ा सा इशू है इसके साथ। नेक्स्ट वन, नेम द पोएट हु चूजेस हिज सक्सेसर एंड सक्सेसर पोएट हुम ड्राइडन सेटराइजेस इन हिज फेमस पोएम। कौन? नेम द पोएट हु चूजेस हिज सक्सेसर्स एंड द सक्सेसर पोएट हुम ड्राइडन सेटराइजेस इन हिज फेमस पोएम। 33। ओ यस, इट्स अ सी, बिल्कुल। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो बिल्कुल ये वाला है, जेम्स शिरली एंड क्रिस शिरली, हेनरी ट्रीस एंड चार्ल्स ट्रीशन, रिचार्ड फ्लेक्नो एंड थॉमस शैडवेल। यही वाला वर्क नहीं नजर आता आपको? किसमें? अरे वो क्या नाम है उसका, मैक फ्लेक्नो। मैक फ्लेक्नो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, मैक फ्लेक्नो। देयर इज अ वर्क बाई जॉन ड्राइडन, है ना? या जॉन ड्राइडन का एक वर्क है, द नेम ऑफ द वर्क इज मैक फ्लेक्नो, और वहीं पर ये सब करामात नजर आती है आप सभी को, नजर आती है ना? बिल्कुल नजर आएगी। इफ कम्स कैन बी फार बिहाइंड, तो आपको यहां पर ब्लैंक स्पेस फिल करना है। इफ कम्स कैन फार कैन बी फार बिहाइंड शैली ओड टू द वेस्ट विंड। थर्टी फोर, देखिए बहुत ही इजी है, अगर आपने पढ़ा होगा ये पोयम तो यहां पर आपको क्या फिल करना होता है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ओड टू द वेस्ट विंड, है ना? 34, ओड टू द वेस्ट विंड, बिल्कुल। द फॉलोइंग पैसेज आर वेरी फर्स्ट लाइन्स ऑफ वेल नोन वर्क्स, मैच द लाइन्स। देखिए ये बहुत ही अच्छी लाइन्स हैं और बहुत ही अच्छे से आपको मैच करना है। लेट अस गो देन यू एंड आई, याद आ गया होगा आपको, कॉल मी इश्माइल, व्हेन शैल वी थ्री मीट अगेन, He disappeared in the dead of winter. I wish either begot me. हाँ, so चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए फटाफट करके। Yes, देखिए ये वाला है, if wind, let us go, then you and I. तो इसमें से the love song of J. Alfred Prufrock, call me Ishmael. It's by, yeah, it's Moby Dick. When shall we three meet again? याद आया कुछ? अरे भाई वही Macbeth. And he disappeared in the dead of winter in memory of W.B. Yeats by W.H. Auden. I wish either begot me, tis tram shandy. स्क्रीनशॉट कर लीजिए, काम आएगा आगे चल के। स्क्रीनशॉट कर लीजिए प्लीज, काम आएगा आगे, क्योंकि ऐसी ही लाइन्स पूछी जाती है आपके एग्जाम में। This is not the first time, ये ऐसे पहले से ही पूछी जाती है, ठीक है? Which of the following is not a revenge tragedy? Hamlet, Duchess of Malfi, Walpole, Garboduck. Which of the following is not a revenge tragedy? It's Hamlet, Duchess of Malfi, Walpole or Garboduck. देखिए इसका जो सही आंसर है, एग्जैक्ट जो आंसर है वो यही है। कौन सा वाला? Walpole or the Fox, सी ऑप्शन है ना? Walpole or the Fox, remaining all are revenge tragedy. ये revenge tragedy है, ये रिवेंज ट्रेजेडी है, ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है, दीज ऑल आर रिवेंज ट्रेजेडीज, है ना? सिनेकन पैटर्न वाली रिवेंज ट्रेजेडीज हैं।
वॉट इज नियोलॉजिज्म, क्या है नियोलॉजिज्म? डू यू नो समथिंग अबाउट नियोलॉजिज्म? वॉट इज अ नियोलॉजिज्म, क्या कहलाता है नियोलॉजिज्म? 37 वर्ड पावर टाइप का आपका क्वेश्चन है, अगर आप आंसर कर सकते हैं तो बहुत ही जबरदस्त बात है भाई। सो अ वर्ड विद रूट्स इन नेटिव लैंग्वेज, नो। अ वर्ड हुज मीनिंग चेंजेस विद एवरी रिन्यूड यूज, नहीं। अ वर्ड न्यूली कॉइंड और यूज्ड इन न्यू सेंस, बिल्कुल सही आंसर। एन ऑब्सेशन विद न्यू वर्ड्स, नहीं। सो द राइट आंसर इज नियोलॉजिज्म, एसोसिएटेड विद अ वर्ड न्यूली क्वाइंड और यूज्ड इन अ न्यू सेंस, ठीक है, नियोलॉजिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडवर्ड साइड्स ओरिएंटलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एडवर्ड साइड्स ओरिएंटलिज्म? गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए इसका जो सही आंसर होगा कौन सा वाला होगा, सो 100% वाला जो सही आंसर करेक्ट आंसर है वो है मेक्स यूज ऑफ फोकॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कर्सिव फॉर्मुलेशन इज वन ऑफ द फाउंडिंग टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थियरी, मेक्स यूज ऑफ बार्थ्स कॉन्सेप्ट ऑफ राइट अर्ली टेक्स्ट, utilizes the grammatical notion of hegemony. So the right answer is, correct one answer kaun sa wala hai? Yes, makes use of Barthes concept of writerly text. Ye wala bilkul sahi nahi hai, baki sare sahi hai, kyunki isme writerly text ka koi relation nahi hai. Concept of discursive formulation, पोस्ट कॉलोनियल थियरी, फाउंडिंग टेक्स्ट, ग्राम्स, यस ग्रामेसिकल नोशन ऑफ हेजेमनी, यस इट अप्लाइड। थॉमस लव पिकॉक, ये वही लव पिकॉक हैं जिनके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लासिफाइड पोइट्री इन फोर पीरियड्स कौन कौन से हैं? ही क्लासिफाइड पोइट्री इन टू फोर पीरियड्स, चलिए सही वाला आंसर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक आप लोग। हे बडीज, राइट वन आंसर है इसका आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, याद आया, आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रास, दिस इज द राइट आंसर। थॉमस लव पिकॉक, फोर पीरियड्स ऑफ पोइट्री, है ना, यस, इसका इनके वर्क का नाम है दी फोर एजेस ऑफ पोइट्री, है ना, दी फोर एजेस ऑफ पोइट्री, याद आया, दी फोर एजेस ऑफ पोइट्री। आयरन से याद था, आयरन से याद आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है। Which among the following novels has more than one ending? कौन सा नॉवल है जिसमें मोर देन वन एंडिंग है आपके लिए? लकी जिम, प्राइम ऑफ जीन ब्रूडी, द फ्रेंच ल्यूटिनेंट्स वुमेन, द क्लॉक वर्क ऑरेंज। आयरन से इसलिए याद था ना कि आयरन घर में भी काम आता है, तो आयरन घर में जब काम आएगा तो भाई काम की चीजें तो हमेशा याद रहती है ना, गलत तो नहीं, क्यों नहीं याद रहेंगी, काम की चीज है सर। इसका जो देखिए राइट आंसर है वो है कौन सा, 40 वाले का आपका, इसका सही आंसर है द फ्रेंच ल्यूटिनेंट वुमन, सही आंसर द फ्रेंच ल्यूटिनेंट वुमन। इट हैज मोर देन वन एंडिंग, मोर देन वन एंडिंग, है ना, यस, इट हैज मोर देन वन एंडिंग, बिल्कुल सही।
करेक्ट मोर देन वन एंडिंग इट हैव. यू हैव सीन हाउ अ मैन वॉज मेड अ स्लेव. यू शैल सी हाउ अ स्लेव वॉज मेड अ मैन. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैथोज एपिस्ट्रॉफी और चेस्मस एंटी क्लाइमेक्स. ये किसका एग्जाम्पल माना जा सकता है. You have seen how a man was made a slave. You shall see how a slave was made a man. याद आ रहा है कुछ चेस्मस इस क्वेश्चन को पढ़ करके. मैंने चेस्मस कह दिया, इसको कैस्मस बोलेंगे. मैंने पहले भी बताया था ना, इट्स कैस्मस ये, और यही वाला राइट आंसर है कैस्मस. इसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस का ऑर्डर है उसी को बदला जाता है, और ऑर्डर बदल करके न्यू सेंटेंस फॉर्म होता है. इट्स कैस्मस, ठीक है, यही राइट आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. चासर यूज द राइम रॉयल ए स्टेंजाइक फॉर्म इन सम ऑफ हिज मेजर पोएम्स. Chaucer was the author of Legend of Good Woman. Chaucer wrote in English when the court poetry of his day was written in Anglo-Norman and Latin. Chaucer wrote the book named The Governor. कौन सा वाला correct answer? 42. इसमें से देखिए हमें यह देखना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है. तो देखिए पहली बात कि चासर ने द बुक नेम्ड गवर्नर को कोई नहीं लिखा है. इन्होंने एक वर्क लिखा है द बुक ऑफ डचेस, है ना. तो देखिए ये इनकरेक्ट है. चासर यूज द राइम रॉयल, हां यूज किया है. चासर वॉज द ऑथर ऑफ लिजेंड ऑफ गुड वुमेन, हां बिल्कुल राइटर है. चासर रोट इन इंग्लिश वेन द कोर्ट पोइट्री ऑफ हिज डे वॉज रिटन इन एंग्लो नॉर्मन एंड लैटिन, बिल्कुल सही है. तभी तो कहा गया जोफ्री चासर को, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज. यही कहा गया था ना, ही फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज. यस. नेक्स्ट वन क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए. मैटीरियल फेमिनिज्म स्टडीज इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ओनली जेंडर, ओनली क्लास, बोथ क्लास एंड जेंडर, ओनली पैट्रियार्की. मैटीरियल फेमिनिज्म स्टडीज इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ ओनली जेंडर, ओनली क्लास, बोथ क्लास एंड जेंडर, ओनली पैट्रियार्की. सही आंसर इसके लिए बिल्कुल सही वाला कौन सा है. 43 का राइट आंसर है आपके लिए सी ऑप्शन, बोथ क्लास एंड जेंडर. बोथ क्लास एंड जेंडर शुड बी द राइट आंसर. इधर देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरिश राइटर. कौन सा आयरिश नहीं है. ऑस्कर वाइल्ड, गोल्ड स्मिथ, एडमंड बर्क, थॉमस ग्रे, कौन से आयरिश नहीं है आपके. देखिए वैसे अगर देखा जाए आयरिश की जब हम लोग बात करते हैं, सी फॉर केक, ये भी अच्छा आंसर था सी फॉर केक वाला. देखिए ऑस्कर वाइल्ड तो ये आपके आयरिश थे. ओलिवर गोल्ड स्मिथ, ही वॉज ऑल्सो एन आयरिश मैन. एडमंड बर्क, सो यू नो गाइस ये भी आयरिश थे, लेकिन थॉमस ग्रे ये एक इंग्लिश थे आपके, ब्रिटिश पोएट, इंग्लिश पोएट, ठीक है. तो इसीलिए Not an Irish writer. Right answer is Thomas Gray. Thomas Gray नहीं थे, है ना, बिल्कुल. Entries in the diary of Samuel Pepys begins after the Restoration, Glorious Revolution, the Reformation, the French Revolution. So Samuel Pepys भैया को यहां पर याद किया गया है. Samuel Pepys. पिप पढ़ के पता है कैसे लगता है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी कोई गाड़ी में पीछे खड़ा हो अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटी लेके और उसने हॉर्न दबा दिया, लाइक पिप, है ना, वैसा ही लगता है. एंड सैमुअल पिप इट आल्सो लुक लाइक ग्रेट एक्सपेक्टेशन में जो एक कैरेक्टर है.
देखिए इसका सही आंसर जो है वो ये वाला है, एंट्रीज इन द डायरी ऑफ सैमुअल पिप्स बिगिंस आफ्टर, सो आंसर इज रेस्टोरेशन, दी रेस्टोरेशन, दी रेस्टोरेशन, सुपर्ब आंसर, बेस्ट आंसर है आपके लिए दी रेस्टोरेशन, ठीक है, दी रेस्टोरेशन है ना, बिल्कुल। रिफॉर्मेशन लिखने वाला कौन है, ये धर्मेंद्र मौर्य, धर्मेंद्र रिफॉर्मेशन के टाइम पीरियड में सैमुअल पिप भाई का पता नहीं था, जिंदा भी नहीं थे ये, ठीक है, दी रेस्टोरेशन राइट आंसर है। नेक्स्ट वन देखें, इन अ पोयम अ लाइन में ईदर बी एंड स्टॉप्ड और, इन अ पोयम अ लाइन में ईदर बी एंड स्टॉप्ड और राइम्ड, ब्रोकन, एसेंटेड, रन ऑन, हाँ यस शीतल, ही इंक्लूडेड ग्रेट फायर ऑफ लंडन एंड प्लेग एज वेल, ये वाली बात हुई शीतल, आपने अच्छा लिख दिया, जबरदस्त लिखा है आपने। देखिए जो लाइन या तो कैसी हो सकती है, वो इंड स्टॉप्ड, इंड स्टॉप्ड का मतलब होता है कि एंडिंग में उसकी स्टॉपिंग मिल जाएगी, या तो वो रन ऑन करेगी, एक लाइन से दूसरी लाइन में चलेगी, रन ऑन, इसे हम लोग ई एन जे ए एम बी एम ई एन टी इंजैममेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इंजैममेंट भी बोला जाता है इसे, रन ऑन लाइन इज ऑल्सो नोन एज इंजैममेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोट द एसे नेपल्स इंडिया एंड माइन, कमला दास, आर पार्थ सारथी, ए के रामानुजन और इजकिल भैया, कौन थे, अब डिसीजन आपका है, आप आंसर कर लीजिए या ना कीजिए, अच्छा लगेगा आपको। 47 राइट आंसर है गाइस, या राइट आंसर इज नसीम इजकिल, नसीम इजकिल ही रोट अ वर्क नेपल्स इंडिया एंड माइन, और आपके जो वीएस नेपॉल थे तो उन्होंने एक वर्क लिखा था, कौन सा वाला वर्क था, उसी के रिप्लाई में इन्होंने वर्क लिखा था, ये याद आ रहा है किसी को, याद कीजिएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। हाँ नेक्स्ट वन क्वेश्चन, जेम्स जॉयस, टी एस एलियट, लाइव्स ऑफ जॉनसन, लाइव्स ऑफ पोएट्स, पीटर एक्रॉयड, जेम्स बॉसवेल, सैमुअल जॉनसन, रिचर्ड एलमन, मैच कर डालिए भाई, नो इट्स नॉट नित्यानंद शुक्ला, इट्स नॉट हाउस ऑफ, या वर्क तो लिखा नेपॉल ने, लेकिन जो जिस वर्क की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी हमें मैचिंग मैचिंग करना है, वो अलग है। नो शांति मंडल, ये क्लास आपकी दो दिन होती है, वीक में टू डेज के लिए, एक होती है फ्राइडे में और एक होती है सैटरडे में, दो दिन क्लास होती है, टाइमिंग होती है इसकी 6 PM ऑन दिस यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव एनटीए यूजीसी नेट, यस। देखिए जेम्स जॉयस, टी एस एलियट, लाइव्स ऑफ जॉनसन, लाइव्स ऑफ पोएट्स, देखिए लाइव्स ऑफ जॉनसन तो ये जेम्स बॉसवेल ने लिखा है, एंड लाइव्स ऑफ पोएट्स तो ये लिखा सैमुअल जॉनसन ने, दोनों को मैच कीजिए, थर्ड टू सेकेंड, चेक इट आउट, थर्ड टू सेकेंड यहां नजर आ रहा है ना, थर्ड टू सेकेंड, वाओ, फोर्थ टू थर्ड, वाओ, देखिए दोनों मैच कर रहे हैं, क्या अदर में मैचिंग है, देन आंसर इज नो, इसका मतलब है बी सही आंसर है भाई, ये लॉजिक लगाओ और आंसर कर ले जाओ, लॉजिक, सो राइट वन आंसर, जेम्स जॉयस, टी एस एलियट, अब टी एस एलियट के बारे में किसने लिखा है, जेम्स जॉयस के बारे में किसने लिखा है, तो जेम्स जॉयस के बारे में रिचर्ड एलमन ने लिखा है, टी एस एलियट के बारे में लिखा है पीटर एक्रॉड ने, ठीक, मैचिंग मैचिंग,
द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, इमेज, कंसीट और मेटोनमी. द पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड. वॉट इज दिस? यार बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है, दिस इज द वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ मेटोनमी. ठीक है, बिल्कुल. देखिए सिमिली होता तो एज लाइक वगैरह वाला मामला आता, एज लाइक सो. अगर ये कोई इमेज होता तो इमेजरीज की बात होती, अगर ये कंसीट होता तो कोई फार फेस्ड इमेजरी यूज होती, बट यू नो मेटोनमी इट इज. मेटोनमी जब क्लोज एसोसिएशन हो, चेंजेस ऑफ नेम, है ना, बिल्कुल, चेंज ऑफ नेम. एंड इपीलॉग इज, इपीलॉग क्या होता है, एक एपीलॉग, प्रीफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इज विच इट इंट्रोड्यूसेस, सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स, अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट फॉर्मरली बिगिन्स अ बुक, अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच that bears no relation to the text at hand. 50 वाले का राइट आंसर कर दीजिए. या देखिए जो एपीलॉग होता है तो वो होता है कब, सफिक्स्ड टू अ टेक्स्ट विच इज सम्स अप और एक्सटेंड्स. देखिए प्रीफिक्स्ड का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए ये कोई मेन वर्क है बॉडी तो इससे पहले, और सफिक्स का मतलब होता है लास्ट में, है ना. तो जो प्रोलॉग होता है वो पहले आता है, जैसे प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल, तो कैंटरबरी टेल से पहले ही प्रोलॉग आ गया. और एपीलॉग जो आता है वो बुक के, बुक का मेन जो पार्ट होता है उसके बाद में आता है. ठीक है, यस, कंक्लूजन, कंक्लूजन वाला पार्ट, दैट इज नोन एज, या हाँ, यस. तो देखिए ये थे आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस. पूरे के पूरे क्वेश्चंस का क्या मतलब है, बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस का मतलब ये हुआ मेरा कि ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में हैं, एग्जैक्टली पेपर में हैं आपके, है ना. जिस पेपर को मैंने आपको सॉल्व करवाया उस पेपर में आपको मिलते हैं पूरे के पूरे क्वेश्चन. सो गाइज अब ये तो टाइम हो रहा है मेरी क्लास का, सो एक आपसे रिक्वेस्ट कर लूंगा लास्ट में जाते जाते, या So, मेरा रिक्वेस्ट होगा लास्ट में कि मैं देखिए अनअकैडमी ऐप पर भी क्लास लेता हूं, और अनअकैडमी ऐप पर आपके लिए इस समय मैं लिटरेरी टर्म्स की क्लास लेता हूं. लिटरेरी टर्म्स, और लिटरेरी टर्म्स में मैं सी सीरीज कवर करने वाला हूं. ए कवर कर दिया मैंने, बी कवर कर दिया है, अब सी सीरीज की बारी है. क्लास का टाइम क्या होता है, 9 PM होता है. ठीक, कैसे आप लोग मुझे ज्वाइन कर पाएंगे, देन आंसर इज डाउनलोड करेंगे अनअकैडमी द लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. डाउनलोड अनअकैडमी द लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, लेटर ऑन यूज कोड राजवीर लाइव, दैट इज ऑलरेडी रनिंग ऑन योर स्क्रीन. यूज कोड राजवीर लाइव, और इस कोड को यूज करके आप मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अनलॉक कर सकते हैं. और अगर आप मतलब पेड कोर्सेस में इनरोल होना चाहें तो पेड कोर्स भी अवेलेबल है ऑन अनअकैडमी द लर्निंग ऐप. हमारे पास पेड कोर्सेस भी हैं आपके लिए, ये बेनिफिट आपके लिए लिखे हुए हैं स्क्रीन में, फॉर प्लस एंड फॉर आइकॉनिक. ओके, बोथ पेपर्स इन अ सिंगल प्लेटफॉर्म विद पीडीएफ नोट्स, वंडरफुल कंटेंट, प्रैक्टिस, टेस्ट, सब कुछ मिलेगा आपको. ठीक है, हाँ रामेंद्र कुमार, बहुत हार्ड पेपर आता है, लेकिन इट डजंट मीन रामेंद्र कि हम पुराने पेपर्स को वो कर सकते हैं. आई एम कवरिंग दीज पेपर्स बिकॉज यू नो कि जो पैटर्न है इन्हीं क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पिकड अप करके हायर किया जाता है. जैसे मैंने मॉडेस्ट प्रपोजल का नाम लिया, सो मॉडेस्ट प्रपोजल के मिडिल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना. वी ऑल आर फैमिलियर दैट द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, है ना. बट द थिंग इज कि पैटर्न तो चेंज हुआ है, लेकिन हमें क्या करना है,
हमें एनालाइज करना है। सो दीज आर द क्लासेस जो एनालिसिस के लिए हैं। मैं धीरे धीरे करके आपके 21 तक के ऑल द पेपर्स आई एम गोइंग टू सॉल्व, ठीक है? यस, एंड ऑलरेडी द बैच इज रनिंग ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, यू कैन विजिट माई प्रोफाइल। देखिए, अगर आप पेड नहीं लेना चाहते सो फॉर फ्री आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके बहुत कुछ आपको मिलता है वहां पर, फ्री क्लासेस, पेपर वन, पेपर टू, अ नंबर ऑफ एजुकेटर्स आर देयर। सो यस, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये था हमारी आज की क्लास का प्रोग्राम, और अब ये राइट टाइम है कि जब मैं आप सभी को शांति मंडल, न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रही है? शांति मंडल नया बैच फरवरी में स्टार्ट हुआ था, एंड अपकमिंग बैच अब आपका जुलाई में स्टार्ट होगा, इस नेट एग्जाम के बाद जो आपका अपकमिंग नेट एग्जाम है, ठीक है? बिल्कुल, आज क्लास नहीं होगा अब, क्योंकि आज देखिए जिस दिन YouTube में क्लास होता है आप मुझे वहां पर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी पर मेरा नाम सर्च कीजिएगा, अंकित साहू राजवीर और AKS राजवीर, अंकित कुमार साहू राजवीर या AKS राजवीर, अगर आप मुझे सर्च करेंगे अनअकैडमी पे NTA UGC नेट कैटेगरी, तो देन आप वहां पर मुझे फॉलो कर लीजिए। जो भी मेरी क्लास आएगी ऑटोमेटिकली आपको दिखने लगेगा, क्लास स्टार्ट होते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मजे से देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, आनंद लीजिएगा, ठीक है? चलिए, हाँ, समवन इज आस्किंग कि सर वो नेपाल वाला बता दीजिए। तो नेपाल वाला जो आंसर है ना उसका, एन एरिया ऑफ डार्कनेस करके एक वर्क लिखा था, एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये वर्क लिखा था V.S. नेपाल ने, एन एरिया ऑफ डार्कनेस बाई नेपाल। और फिर इसके रिप्लाई में निसीम इज़किल ने लिखा था नेपाल्स इंडिया एंड माइन, इन्होंने लिखा था नेपाल्स इंडिया एंड माइन, निसीम इज़किल ने लिखा था, ठीक है? निसीम इज़किल, तो यहां पर आप लिख सकते हैं निसीम इज़किल ने लिखा था, ठीक। आई होप सो कि सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल क्लियर होगा, ये भी क्लियर कर दिया मैंने, अब तो कोई कुछ नहीं बचा ना। सो थैंक यू सो मच, बाय गाइज एंड टेक केयर। और इसी बात के साथ आपको बोलना पड़ेगा मुझे जय हिंद जय भारत। तो चलिए फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल, एंड से लेट्स क्रैक इट विद AKS राजवीर एंड विद अन अकेडमी। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर।